क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज बात करने वाले हैं बुद्धि के देवता एवं ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह के राशि परिवर्तन से। अगले 15 दिनों तक मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों के जीवन में क्या कुछ होने वाला है कमाल, क्या परिणाम दिखने वाले। दर्शकों, 16 मार्च 2023 को बुध ग्रह सुबह के 10:54 पर अपने मित्र देव शनि देव की कुंभ राशि से निकलकर देव गुरु बृहस्पति के मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और बुध ग्रह का मीन राशि में जो प्रवेश रहेगा वो गोचर लगभग 31 मई 2023 तक चलता रहेगा। एक बात आपको और ध्यान रखना है कि बुध मीन राशि में नीच के माने जाते हैं और 15 मार्च को ही ग्रहों के राजा सूर्य भी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में सूर्य और बुध का, जहां बुध आदित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो वहीं एक बात और आप लोगों को बता दें, क्योंकि बृहस्पति उस राशि में स्वयं विराजमान है तो ऐसे में बुध की नीचता भी कई राशि वालों के लिए भंग हो जाएगी और नीच भंग राजयोग भी लगेगा। इतना ही नहीं, कुछ राशि वालों के लिए तो बुध विपरीत राजयोग का निर्माण भी करने वाले। वैसे में कई सारे एस्ट्रोलॉजर आपको डराने वाले हैं कि बुध नीच राशि में, नीच का बुध ये नुकसान देगा। आप एक बात समझें, बुध अभी जिस राशि में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में, उस राशि में उस राशि के स्वामी बृहस्पति स्वयं विराजमान है। ऐसे में बुध का नीचता का प्रभाव आपको नहीं दिखने वाला है। आपको अभी कई सारे योग मैंने बताया, इसके अलावा त्रिग्रही योग, सूर्य बुध और गुरु की त्रिग्रही योग भी लगने वाला है। दर्शकों, बुध के इस गोचर से जहां कुछ राशि वालों को धन संपत्ति शिक्षा कैरियर पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इन सब में वृद्धि होगी, कार्य व्यापार में लाभ मिलेगा, तो वहीं कुछ राशि वालों के लिए बुध को गोचर से परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिसपे बुध देव होंगे मेहरबान और किन किन राशि वालों को रहना है सावधान, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में तो बुध को ग्रहों का राजकुमार बताया जाता है, वो मंत्रणा देने के कार्य भी करते हैं, सलाहकार की भूमिका भी बहुत अच्छा निभाते हैं। इसके साथ ही वाणी अर्थात की बोलने की कला, आप जो बोलते हैं आवाज, शिक्षा, बुद्धि, गणित, लेखन कला, प्रकाशन, रंगमंच, निजी व्यवसाय, अकाउंट्स, संवाद, तर्क, तर्क शक्ति, कम्युनिकेशन, ऐसे बहुत सारे चीजों का स्कीम, ऐसे बहुत सारे चीजों का बुध मुख्य कारक ग्रह माने गए। यदि किसी जातक या जातिका के जन्म कुंडली में बुध ग्रह हो बलवान तो सफलता का छू लेगा आसमान, लेकिन यदि बुध ग्रह आप पे हो जाए अशुभ प्रभाव देने में तो आपको कई सारे जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि से, फिर क्रमशः वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ एवं मीन सभी 12 राशि वालों के बारे में अब बुध के इस राशि परिवर्तन से क्या फलादेश होने वाला है इस संदर्भ में बात करेंगे। मेष राशि से पहले शुरुआत करते हैं। मेष राशि वाले बुध आपके तृतीय एवं छठे भाव के स्वामी और वो अब आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जहां से ये अपने सप्तम दृष्टि से आपके राशि से छठे भाव पर कन्या राशि में अपनी ही राशि में स्वग्रही दृष्टि देंगे। वैसे तो द्वादश भाव में किसी भी ग्रहों का गोचर करना शुभ नहीं माना जाता है क्योंकि 12वां भाव अशुभ भाव है, लेकिन
एक बात आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी यदि बारहवें भाव में बैठ जाए तो ये हर्ष राजयोग का निर्माण भी करता है, जिसे विपरीत राजयोग भी कहते हैं। और ज्योतिष में इसका सुप्रभाव जो बताया गया है वो बहुत अच्छा है। उस पर भी बुध बारहवें घर में बैठ के जब अपने ही घर को छठे भाव में दृष्टि दे रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि विरोधी चाहे जितना मर्जी षड्यंत्र कर ले, आप अपने बुद्धिमता के बल पे उसको विफल करने में सफल हो जाएंगे। हालांकि फिर भी विवादों से आप दूर ही रहें तो यह आपके लिए अच्छा होगा। इस समय आपको यात्रा या विदेश यात्रा आदि से भी धन का लाभ हो सकता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो लोग विदेश में रहते हैं उन्हें तो विशेष लाभ कामयाबी मिलने के संकेत दिख रहे हैं। वहीं इस राशि के नौकरी पेशा लोगों की यदि बात करें तो संघर्षों के बावजूद भी आपको सफलता मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों को तो पदोन्नति यानी प्रमोशन के भी चांसेस बन सकते हैं। अधिकांश ज्योतिष इस बात को याद रखना, मेष राशि वालों को बुरा प्रभाव बताने वाला, नीच का हो गया, बुद्ध जी नीच का हो गया, वो हर्ष योग नहीं बताएगा। तो ऐसे बहुत सारे कुछ नए चीजों को लेकर आते हैं आपके लिए। अच्छा, ये बुध आपको भी अशुभ प्रभाव देता अगर मीन राशि का स्वामी बृहस्पति वहां पे नहीं बैठा होता। अगर यही बुध का गोचर 22 अप्रैल के बाद, जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा 22 अप्रैल को, उसके बाद होता मीन राशि में, तो निश्चित रूप से बुध आपके लिए अशुभ प्रभावकारी हो जाता, लेकिन अभी इतना अशुभ नहीं देगा। हालांकि फिर भी एक बात बता दें कि यदि आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी रुक ही जाएं तो वह आपके लिए उचित होगा। बुध के इस गोचर काल में आपको अपने आर्थिक पक्ष का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अपने फिजूल खर्ची पर आप अगर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो थोड़ा सा धन को लेकर समस्या उत्पन्न हो सकती है। हालांकि इस राशि के जो लोग शिक्षा अध्ययन के लिए विदेश वगैरह जाने के बारे में सोच रहे हैं उन्हें यह अवसर मिल सकता है, लेकिन शिक्षा में यदि आपको अच्छे परिणाम लाने हैं तो अभी आपको अधिक परिश्रम करना ही होगा। वहीं मित्रों तथा भाई बहनों का अगर साथ आपके संबंधों की करें बात तो कुछ मनमुटाव के संकेत या बोल सकते हैं कि बन रहे हैं आसार, इसलिए उनके साथ बातचीत करते समय अपने शब्दों का उचित चयन करें। संतान पक्ष को आपको विशेष ध्यान देना होगा, उनके रहन सहन, उनके आदत, ये देखें कि कहीं अधिकतर समय सोशल नेटवर्किंग पे तो नहीं जा रहा है या कहीं गलत आदत पे तो नहीं पड़ गया। अच्छा, इस राशि के लोगों को ना त्वचा संबंधित कोई समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, कोई छोटी मोटी बीमारी परेशान ना कर दे, इस बात को लेकर आपको सावधानी बरतना होगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे नंबर की राशि वृषभ राशि वालों के लिए बुध के इस राशि परिवर्तन का क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। वृषभ राशि वाले बुध आपके द्वितीय एवं पंचम भाव के स्वामी हैं और अब वो आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, जहां से वो अपने सप्तम दृष्टि से अपनी ही आपके पंचम भाव, लेकिन ये बुध की अपनी राशि है, अर्थात की स्वग्रही दृष्टि डालेंगे। नीच के ग्रह होने के बावजूद भी बुध आपको यह शानदार परिणाम देने वाला है। इस क्षेत्र की यदि बात करें, खास करके जो लोग मीडिया, लेखन कला, साहित्य, कम्युनिकेशन, कॉल सेंटर, ट्रेडिंग आदि के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को अच्छी कामयाबी मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं इस राशि के कुछ लोग जो नया स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या फिर शुरू करना चाह रहे हैं, उन्हें भी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। छात्रों की क्या बात है, बहुत ही समय अनुकूल है। पंचम भाव में बुध की स्वग्रही दृष्टि, क्या कहने, परीक्षा, इंटरव्यू, प्रतियोगिता परीक्षा, कंपटीशन आदि की तैयारी कर रहे हैं या देने जा रहे हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आएगा। वहीं इस राशि के जो लोग शेयर स्टॉक्स या सट्टा या लॉटरी आदि के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी कुछ हद तक लाभ मिलने की संभावना बन रही है। वहीं इस राशि के अविवाहित जातकों को जो विवाह के लिए प्रस्ताव के इंतजार में है,
उन्हें कुछ अच्छे रिश्ते नजर आ सकते हैं। धन भाव एवं पंचम भाव के स्वामी बुध का लाभ स्थान में संचार करना, उस पर भी लाभ स्थान में वहां के स्वामी देवगुरु बृहस्पति भी स्वराशि गत होके संचार कर रहे हैं, इसके शुभ प्रभाव आपके आय के साधनों में वृद्धि करवा देगा। धन लाभ तो कराएगा ही, इस वक्त आप धन का बचत भी अधिक कर पाएंगे। आर्थिक पक्ष आप बोल सकते हैं कि आपका शानदार रहने वाला है। भविष्य को लेकर कोई निवेश भी आप कर सकते हैं। इस राशि के जो लोग काफी समय से प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन जातकों को पदोन्नति के आसार भी नजर आ रहे हैं। वहीं इस समय कार्य व्यापार में भी आपको कामयाबी मिलने वाला है। आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिल सकता है। संतान पक्ष से भी कोई खुशखबरी मिलने के संकेत दिख रहे हैं। और जो लोग निसंतान दंपति हैं, अगर आप मेल हैं तो आपकी पार्टनर को, और यदि आप फीमेल हैं तो आप स्वयं गर्भ धारण करने के प्रयासों में सफल हो सकते हैं। इस राशि के शादीशुदा लोगों को थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। जीवन साथी से बातचीत करते समय कोई ऐसी कड़वी बात ना बोल दें जिससे आपके रिश्तों में दूरियां बढ़ जाए, इस बात का ध्यान रखना। वाणी में जितना मिठास बनाए रखेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। सेहत के दृष्टिकोण से बुध का यह गोचर आपको सपोर्ट करने वाला है, कोई ज्यादा समस्या नहीं आ रही है। अब आइए बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले बुध ग्रह आपके राशि के तो स्वामी है ही, आपके चतुर्थ भाव के भी स्वामी, और अब गोचर करने वाले हैं कहां, आपके दसवें भाव में, कर्म भाव में, कैरियर के भाव में। और ध्यान रहे कि वहां से अपने सप्तम दृष्टि से वो आपके चतुर्थ भाव अर्थात कि सुख भाव, चाहे वो मकान का सुख हो, वाहन का सुख हो, सुख स्मृति माता, इन सब बातों का विचार जहां से करते हैं वहां स्वगृही दृष्टि डालने वाले, अपने खुद के राशि में खुद दृष्टि डालने वाले। तो इसलिए बुध के इस गोचर काल में मकान वाहन भूमि ये सब अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि अभी बताया आपको कि इन चतुर्थ भाव से तो इन बातों का विचार किया जाता है, उस पर भी बुध की स्वगृही दृष्टि और बृहस्पति की युति, बृहस्पति की स्वराशि का बृहस्पति और बृहस्पति की दृष्टि में अमृत का वास होता है, इस बात का याद रखें। यहां एक बात और आपको बता दें कि बुध आपके केंद्र में बैठे हैं और जिस राशि में नीच के हैं उसके स्वामी भी केंद्र में हैं लगन से, या राशि से आप बोल सकते हैं। तो ऐसे में आपके राशि के लिए संपूर्ण नीच भंग राजयोग लगा रहा है। यह बुध नीच का नहीं बल्कि आपको तो बहुत शुभ और बेहतर परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। घर परिवार के सदस्यों के साथ तो आपका तालमेल रहेगा ही, इसके साथ साथ उनका सहयोग भी अच्छा खासा प्राप्त होगा। हालांकि इस समय आपको आलस्य को त्यागना होगा, क्योंकि आपके शरीर के अंदर आलस्य की वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसलिए कोशिश करें कि सुबह सुबह अपना उठे तो मॉर्निंग वॉक कर लिए, प्राणायाम कर लिए, योग कर लिए, ध्यान कर लिए, अध्यात्म के प्रति भी हालांकि कुछ लोगों का मन झुकाव हो सकता है। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपको फिर भी प्रगति ठीक ठाक देखने को मिलने वाला है और आप अच्छा खासा धन भी कमाने वाले। इस राशि के जो लोग मैनेजमेंट राजनीति या सरकारी क्षेत्र में हैं या फिर मीडिया जगत में कार्य कर रहे हैं या फिर कोई रंगमंच में है, उन्हें अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि भी नजर आ सकती है या कोई बहुत बड़ा पोस्ट मिल सकता है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करें लव लाइफ की, तो प्रेमी जोड़ों के लिए भी यह गोचर सकारात्मक प्रभाव देने वाला है। इतना ही नहीं, दांपत्य जीवन की यदि बात करें तो शादीशुदा लोगों के मध्य भी जीवन साथी के साथ आपकी नजदीकियां बढ़ सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह गोचर काल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं कर्क राशि वाले बुध का यह गोचर आपके लिए किस प्रकार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्क राशि वाले बुध आपके राशि से तीसरे एवं द्वादश भाव के स्वामी है एवं अब वो आपके राशि से नवम भाव में गोचर करते हुए अपनी स्वग्रही दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देखेंगे
और बुध का यह गोचर आपके लिए भी ठीक ठाक ही परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस अवधि काल में आप कोई धार्मिक कार्य भी कर सकते हैं, कोई धार्मिक स्थान पे यात्रा वगैरह पर भी जा सकते हैं, किसी पूजा पाठ या फिर अनुष्ठान या सामाजिक कार्यों में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। वहीं विदेश में रहने वाले जातकों के लिए तो यह गोचर बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला है, आपके लिए ये सुनहरा पल लेकर आया है। या फिर जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं, किसी मल्टी मीडिया कंपनी में कार्य कर रहे हैं या फिर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उन्हें भी यह गोचर शानदार, जानदार और जबरदस्त रहने वाला है। हालांकि कार्य क्षेत्र में जो नॉर्मल लोग हैं, नौकरी पेशा लोगों की विशेषता बात करें तो उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन व्यापारी वर्गों को या सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना काम स्वयं करते हैं, उन लोगों के कामों में तेजी देखने को मिल सकता है, मुनाफा भी अच्छा खासा होने वाला है। इसके अलावा जो लोग जन्म स्थान से दूर रहकर काम करते हैं, उनके लिए भी लगभग ठीक ठाक ही परिणाम देने वाला है। मित्रों एवं भाई बहनों का साथ मिलेगा, कुछ पल मौज मस्ती के साथ भी आप बिताने वाले। वहीं इस राशि के कुछ लोग घर परिवार या दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने के लिए भी जाने वाले, लेकिन ध्यान रहे कि जहां एक तरफ सूर्य और बृहस्पति आपके लिए इस गोचर काल में आपके पिता के साथ संबंधों को मजबूत करने वाले हैं, तो वहीं बुध का पिता के साथ संबंधों में थोड़ा मतभेद उत्पन्न करने के चांसेस दिख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहे, कोई भी बात बोले तो सोच समझ के बोले जिससे पिता के साथ आपकी दूरियां ना बने। अब आइए बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि वालों पर, बुध के राशि परिवर्तन का क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। सिंह राशि वाले बुध की यदि बात करें तो आपके राशि से दूसरे एवं एकादश भाव के स्वामी हैं तथा वो अब आपके राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जहां से वो अपने सप्तम दृष्टि से आपके राशि के दूसरे भाव अर्थात कि धन भाव को ही दृष्टि देने वाले। याद रहे कि अष्टम भाव में गोचर करना अधिकांश मामलों में अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता, इसलिए इस गोचर काल में आपको बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य ना करें, हर किसी पर विश्वास ना करें, अपने मन की बात हर किसी से साझा ना करें। काम काज के लेकर यदि आपके मन में कोई आइडिया है, कोई आपने योजना बना रखा है, तो जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक किसी को भी ना बताएं। खुद भी यदि कोई भी फैसला लेते हैं तो बहुत विवेकपूर्ण तरीके से शांत चित्त होकर ही फैसला करें, क्योंकि कार्यस्थल पर आप बोल सकते हैं कि आपके दुश्मन या विरोधी सक्रिय हो सकते हैं और आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर सकते हैं, धोखा मिलने की संभावना भी बन रही है, इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। इस समय आपको अपने आर्थिक पक्ष पर भी ध्यान देना होगा, कोई निवेश करते समय उसकी बारीकियों का गहन अध्ययन आपको अवश्य करना चाहिए, नहीं तो कोई आर्थिक नुकसान भी आपको झेलना पड़ सकता है। हालांकि आप अगर देखो सतर्क रहेंगे तब तो आपको अकस्मात धन लाभ के योग भी बना देंगे, नहीं तो आपको बताया कि अकस्मात धन हानि भी हो सकता है। इस समय आप तेज गति से या नशे आदि में गाड़ी यानी वाहन ना चलाएं, क्योंकि आप समझ लें कि इस समय दुर्घटना घटी वाली स्थिति हो जाएगी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या रोड पे सड़क पे चलते समय, तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना है, जो भी काम करें सोच समझ कर करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। खास करके एक और बात, जो लोग शेयर स्टॉक मार्केट जुआ सट्टा आदि के शौकीन है, वो बड़ा सोच समझ के पैसा लगाएं, अचानक से आपको पटक देगा, नुकसान दे जाएगा। दूसरों से बातचीत करते समय भी अपने वाणी में मधुरता बनाए रखें, जिससे आपके आपसी रिश्ते भी खराब ना हो। एक और जरूरी बात, इस राशि के जो लोग शादीशुदा हैं, वो अपने ससुराल वालों से किसी भी प्रकार के आर्थिक लेन देन ना करें, यहां तक कि कोई वाद विवाद भी 16 दिन में ना करें, बल्कि बातचीत ना करें, क्योंकि आपके आपसी संबंध खराब हो सकते हैं।
कुल मिलाकर इस राशि वालों को इस वक्त इस 16 दिन 15 दिन आप बोल सकते हैं कि बहुत सावधान रहने की जरूरत है बुध के प्रभाव से। अब आइए बात करते हैं कन्या राशि वालों पर 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक बुध के गोचर का क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है, ऐसे में जबकि स्वयं कन्या राशि के स्वामी भी बुध होते हैं, यानी कन्या राशि वाले बुध तो आपके राशि के स्वामी हैं, लेकिन इसके अलावा आपके दशम भाव के भी स्वामी हैं, और अब वो आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जहां से सप्तम दृष्टि से आपके ही राशि पर स्वग्रही दृष्टि डालने वाले हैं। याद रहे कि बुध आपके राशि के लिए भी संपूर्ण रूप से नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहा है, तो बुध का नीच वाला फल तो आपको नहीं मिलेगा, इस बात को गारंटेड मान के चले। कई ज्योतिष बताएंगे नीच नीच बुध चिल्लाएंगे, बड़े बड़े यूट्यूब में वीडियो बना के आपको डराएंगे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, बुध आपको नीच का फल नहीं देगा। नीच राशि में होने के बावजूद नीच भंग हो गया है इनका, और ये अब शुभ परिणाम देने वाले हैं, वो भी पूर्ण रूप से नीच भंग लग गया है। तो ऐसे में आपके स्वभाव में बहुत सौम्यता आ सकती है, वाणी में मधुरता उत्पन्न हो सकती है, लोग आपसे प्रभावित हो सकते हैं। इस राशि के व्यापारियों के लिए तो यह अवधिकाल बहुत ही शानदार रहने वाला है, काम काज में तेजी देखने को मिलेगा एवं धनार्जन के कई अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं। वहीं इस राशि के जो लोग ट्रेडिंग, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, अकाउंट्स, संचार, मीडिया, शिक्षा, ज्योतिष, कर्मकांड, कथावाचक, पूजा पाठ वाला जो बोल सकते हैं, वो लोग भी व्यास संबंधित आधिक कार्य कर रहे हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर का कार्य आप कर रहे हैं, तो मैनेजर का कार्य कर रहे हैं, एचआर का काम कर रहे हैं, तो इन सब को भी जबरदस्त शानदार लाभ मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। यहां तक कि कार्य क्षेत्र में आपको कोई नई पोस्ट, नया उपलब्धि भी मिल सकता है, कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। इस समय लोग आपसे प्रभावित होने वाले, कुछ नए लोगों के साथ भी आपके संपर्क स्थापित हो सकते हैं। सेहत के मामले की यदि बात करें तो बहुत उत्तम बना रहेगा, वहीं इस राशि के छात्रों को भी प्रतियोगिता परीक्षा में जबरदस्त परिणाम आएंगे यदि इस 15 दिन के अंदर कोई परिणाम आने वाला है तो। और बुधादित्य योग तो आपके वाणी में पहले ही बताया कि मिठास शहद की तरह आपकी बोली को मिठास कर देगा, जिसके वजह से आप अपने वाणी के बल से कठिन कार्य को भी और महत्वपूर्ण कार्य को भी बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो संतान पक्ष से भी कोई खुशखबरी मिलने के योग बन रहे हैं, और दाम्पत्य जीवन में भी आपके संबंध बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं, एक साथ कुछ अच्छे मधुर पल भी बिताने वाले। अब आइए बात करते हैं अगली राशि तुला राशि वालों के लिए बुध के इस गोचर का क्या कुछ परिणाम देखने को मिलने वाला है। तुला राशि वाले बुध देव आपके नवम अर्थात की भाग्य भाव के स्वामी हैं एवं इसके साथ ही द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, और अब आपके छठे भाव में वो गोचर करेंगे एवं वहां से अपने सप्तम दृष्टि से अपने ही द्वादश भाव में स्वग्रही दृष्टि डालने वाले हैं। एक बात फिर याद रखें कि छठे भाव में भी विपरीत राजयोग का निर्माण वो कर रहे हैं, जिसके प्रभाव से इस राशि के जो लोग विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं या फिर किसी विदेशी कंपनी में कार्य करते हैं या मल्टी नेशनल कंपनी में कार्य करते हैं या विदेश में रहते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करते हैं, उन सब को कामयाबी देखने को मिलने वाला है। वहीं बुध आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बात याद रखना कि लापरवाही किसी कार्य में नहीं करना, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, जल्दबाजी चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो। भाग्य भाव का थोड़ा सा देख रहे हैं कि कम साथ मिल सकता है, तो ऐसे में शत्रु आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र ना कर दे, इस बात को लेकर भी आपको थोड़ा सा सतर्क भी रहना, अपने सेहत का भी ध्यान रखना होगा। यदि अधिक जरूरी ना हो तो किसी भी प्रकार के उधार लेन देन आप ना करें, और अगर बहुत जरूरी हो तो बहुत सोच समझ कर दें, क्योंकि इस अवधि काल में आप किसी को यदि उधार देते हैं तो जल्दी वापस मिलने की संभावना नहीं, अगर मिलती है तो संबंध खराब हो सकते हैं, और यदि आपने कोई ऋण लिया, कोई उधार लिया तो जल्दी वापस नहीं चुका पाएंगे आप, ये समस्या उत्पन्न हो सकती है।
इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। कुल मिला के आप कोई भी कार्य करें तो मन को अपने कार्यों के प्रति केंद्रित करते हुए शांतचित्त होकर करें। हालांकि विपरीत राजयोग का कुछ सुप्रभाव तो मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल भरा समय रह सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी आपको मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, इसलिए आपको अपने शब्दों का उचित चयन करना होगा। अगर शब्द ठीक ठाक बोलेंगे तो रिश्ते ठीक ठाक जाएंगे। अब आइए बात करते हैं जल्दी से आठवें नंबर की राशि वृश्चिक राशि वालों को, बुध के इस राशि परिवर्तन का क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। वृश्चिक राशि वाले बुध आपके अष्टम एवं एकादश भाव के स्वामी हैं तथा अब आपके पंचम भाव में गोचर करते हुए अपने सप्तम दृष्टि से आपके एकादश भाव को ही देखेंगे। बुध के इस गोचर से जहां एक तरफ छात्रों को अच्छे परिणाम लाने के लिए अगर देखें तो अधिक परिश्रम करने की जरूरत पड़ सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ जो छात्र या लोग इंटरव्यू या कोई प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए जा रहे या उनके लिए तैयारी कर रहे हैं उनका मन भी भटक सकता है। ऐसे में आपको योग एवं ध्यान का सहारा लेना चाहिए। मेडिटेशन से आप अपने मन को एकाग्रचित बनाए रखने में सफल रहेंगे। इस समय हालांकि कुछ लोगों का मन खेलकूद या सोशल नेटवर्किंग के प्रति भी भटक सकता है, उस क्षेत्रों में भी आप अधिक समय दे सकते हैं। इस अवधि काल में आप जो भी फैसला करें बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि ये अवधि काल अचानक से आपको धन का लाभ या नुकसान भी करवा सकता है। शांत चित्त होकर इसलिए आपको अपने कार्यों पर फोकस करके कार्य करना होगा। हालांकि फिर भी बुध आदित्य योग के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में तो आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलने वाले। कार्यस्थल पर अगर आप सही से कार्य करते हैं तो वरिष्ठ अधिकारी या सीनियर अधिकारी आपके कार्यों से प्रसन्न भी हो सकते हैं, आपके कार्यों की सराहना भी हो सकती है और फिर आपको प्रमोशन वगैरह होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। लेकिन इस राशि के जो लोग नौकरी में स्थान परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं उन्हें भी स्थान परिवर्तन में कामयाबी मिल जाएगी और कारोबार यदि करते हैं, आप व्यापार यदि करते हैं तो व्यापार में भी आपको अपने परिश्रम का अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। वहीं इस राशि के कुछ सिंगल्स को कोई प्रेम के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन जो लोग पहले से किसी अच्छे रिश्ते में हैं उन्हें लव मैरिज में आ रही प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। आप अपने घर वालों से बात करेंगे तो हो सकता है घर वाले मान जाए। दाम्पत्य जीवन में यदि बात करें तो कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आपको भी कोई भी ऐसी कड़वी बात अपने जुबान से ना निकालें जो आपके संबंधों को खराब कर दे। अब आइए बात कर लेते हैं जल्दी से धनु राशि के बारे में। धनु राशि वाले बुध आपके सप्तम एवं दशम भाव के स्वामी हैं और अब आपके राशि से चतुर्थ भाव में वो गोचर करेंगे। ऐसे में आपके राशि के लिए भी एक बात याद करना, केंद्र में बुध का यह गोचर संपूर्ण रूप से नीचभंग राजयोग का निर्माण कर रहा है। बुध का नीचता तो 0% भी आपको नहीं मिलेगा, बल्कि बुध आपको शुभ परिणाम देंगे और वहां से तो सप्तम दृष्टि से अपने आपके राशि से दशम भाव में अपनी ही राशि में कन्या राशि में वो स्वग्रही दृष्टि डालने वाले हैं। तो कार्य क्षेत्र में बुध के इस गोचर से आपको बेहतर बहुत शुभ परिणाम देखने को मिल सकता है, क्योंकि याद रहे बार बार मैंने आपको बताया कि दसवां भाव ही कैरियर का भाव है। बुधादित्य योग की दृष्टि भी जा रही है, गुरु की शुभ दृष्टि भी जा रही है, तो आप बोल सकते हैं कि कार्य व्यापार में खुल जाएंगे आपकी सफलता के सारे द्वार। इस समय कोई पुराना कार्य हो जो रुका हुआ हो, लटका हुआ हो, अटका हुआ हो या फिर भटका हुआ हो मार्ग से, वो सारे कार्य सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। आप शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं, समय के साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कठिन से कठिन कार्य को भी आप अपने बुद्धिमता एवं कौशल कला से संपूर्ण कर पाएंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपकी वाहवाही हो सकती है। वहीं इस राशि के व्यापारियों के लिए भी समय बहुत अनुकूल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार को विस्तार देने के प्रयासों में आपको सफलता मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। व्यापारी वर्गों को धन लाभ भी ठीक ठाक होने वाला है।
वहीं दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। परिवार में किसी सदस्य को नौकरी मिलने से घर का माहौल भी बहुत खुशनुमा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपको अगर पहले से बीमार चल रहे हैं तो आपको सुधार होने के संकेत बन रहे हैं। अब आइए बात करते हैं कि मकर राशि वालों पर बुध के इस राशि परिवर्तन का क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। मकर राशि वाले बुध आपके छठे एवं नवम भाव के स्वामी हैं एवं बुध अब आपके राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे, जहां से वो अपने सप्तम दृष्टि से आपके राशि से नवम भाव और अपनी ही राशि में स्वग्रही दृष्टि डालने वाले। तो जाहिर सी बात है कि इस समय आपके अंदर साहस, ऊर्जा, पराक्रम, उत्साह में वृद्धि देखने को मिलने वाला है। लेकिन याद रहे, अति सर्वत्र वर्जित, अधिक उतावलेपन में कोई भी कार्य नहीं करना है, अन्यथा कहीं बनता हुआ कार्य आपका बिगड़ ना जाए। जल्दबाजी से कोई भी कार्य में आपको नुकसान पहुंच सकता है। विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र करने का प्रयास भी कर सकते हैं, इसलिए सावधानी आपको जरूर बरतना चाहिए। हालांकि बुध की स्वग्रही दृष्टि भाग्य भाव पे आपके कोई रुके हुए कार्य को भी पूरा करवाने में सहयोग उत्पन्न करने वाला है। वहीं इस राशि के कुछ लोगों का धर्म अध्यात्म के प्रति भी रुचि अब पहले से बढ़ सकता है, कोई धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। हालांकि बाकी बचे लोग भी ठीक ठाक अपना घूमने फिरने के शौकीन होंगे। इस वक्त आप यदि बात करें पिताजी के साथ, आपको अगर पहले कोई मनमुटाव था और आप उसको सुलझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप सफल हो जाएंगे, उनका सहयोग भी अच्छा खासा प्राप्त होगा। आपके बातों से भी लोग बाग अब प्रभावित होने वाले, वाणी के माध्यम से आप हो सकता है कोई अच्छे कार्य को अपने पक्ष में करने में सक्षम हो जाए। इस राशि के जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं या फिर बोल सकते हैं अकाउंट्स या बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, उन्हें विशेष कामयाबी मिल सकता है। हालांकि इस अवधि काल में आपको किसी भी प्रकार के आर्थिक लेन देन से बचना चाहिए। अगर अधिक जरूरी ना हो तो किसी को भी उधार ना दे। सबसे जरूरी बात है कि किसी से भी फालतू का बहस ना करें, अन्यथा कोई लड़ाई झगड़ा होने का भय बना हुआ है। सेहत के प्रति भी आपको थोड़ा सावधान रहना है, कोई छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान कर सकता है। अब आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों पर बुध के इस राशि परिवर्तन का क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलने वाला है। कुंभ राशि वाले बुध आपके पंचम एवं अष्टम भाव के स्वामी हैं और अब आपके राशि से दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जहां से वो अपने सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखने वाले हैं। और बुध का यह गोचर आपके लिए मिश्रित प्रभाव दे सकता है। आपको अपने सेहत का विशेष रूप से ध्यान देना होगा, खास करके मौसमी बीमारी जैसे कि सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, बदन दर्द, गले में खराश या आलस्य जैसी परेशानियां आपको परेशान कर सकता है। वाहन आदि भी आप अधिक तेज गति से ना चलाएं। दुपहिया वाहन भी चलाते हैं तो हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। ट्रैफिक नियमों का पालन करना आपको एक्सीडेंट के खतरे से बचा सकता है, अन्यथा कोई चोट, चपेट, दुर्घटना लगने का भय भी बना हुआ है। इस समय आप अपने वाणी में यदि मधुरता बनाए रखेंगे तो आपको पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ ठीक जाएगा, अन्यथा आपको चाहे पारिवारिक जीवन की बात करें तो कोई कलह क्लेश का सामना नहीं तो करवा सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी नहीं तो आपके बनते हुए कार्यों को रुकावट डाल सकता है। हालांकि इस समय विद्यार्थी वर्गों की यदि बात करें तो आपको भी परीक्षा में आप चाहते हैं कि अच्छे परिणाम आए तो अधिक मेहनत करें। हाँ, कुछ लोगों के लिए इस राशि इस समय गोचर बहुत अच्छा परिणाम देगा, खास करके वो लोग जो किसी रिसर्च, अनुसंधान, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कोई कार्य कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या उनसे जुड़े हुए हैं या फिर साइंस, ऐसे लोगों को बुध का यह गोचर बहुत अच्छा लाभ देगा। आप कोई नया आविष्कार भी कर सकते हैं या आपके प्रोजेक्ट को सराहना मिल सकता है, कोई बहुत बड़ा रुका हुआ प्रोजेक्ट आपके पूरे हो सकते हैं या कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। इस अवधि काल में इस क्षेत्र वाले लोगों को बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात फिर से सावधानी जो बरतना है आपको, किसी भी दस्तावेज में साइन करने से पहले कागज को जरूर चेक कर, अन्यथा कोई धोखा भी मिल सकता है। इस समय अगर आप कोई आर्थिक निवेश भी करते हैं तो बहुत सतर्कता पूर्वक करें, क्योंकि
बुध अचानक से कोई आपको धन लाभ या धन नुकसान दोनों कुछ करवा सकता है। सतर्कता करेंगे तो धन लाभ करेगा और सावधानी हटी तो फिर आपके लिए भी दुर्घटना घटी। कार्य व्यापार की यदि बात करें तो समस्याओं के बावजूद हालांकि ज्यादातर आपके पक्ष में परिणाम देने वाला है। कार्य स्थल पर आप पहले की अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जावान होकर कार्य करने भी वाले हैं। सकारात्मक सोच के साथ कार्य करेंगे जिसका आपको लाभ भी मिलने वाला है। अचानक से कामकाज के सिलसिले में कोई यात्रा वगैरह भी करवा सकता है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध ठीक ठाक रहने वाले हैं। अब आइए बात कर लेते हैं काल पुरुष की अंतिम राशि अर्थात की 12वें नंबर की राशि मीन राशि, जिस राशि में स्वयं बुध देव गोचर कर रहे हैं। मीन राशि वाले बुध देव आपके चतुर्थ एवं सप्तम भाव के स्वामी हैं। और जैसा कि आपको बताया कि आपके ही राशि में अब गोचर करेंगे 16 मार्च से 31 मार्च तक, और ऐसे में सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को ही देखेंगे और सप्तम भाव उनकी अपनी राशि है। बुध और गुरु की युति, उससे पहले आपको एक बात बता दें कि चूंकि केंद्र में बुध गोचर कर रहे हैं तो नीच होने के बावजूद आपके लिए भी संपूर्ण रूप से नीच भंग राजयोग बना दिया, जहां आपको दूसरे एस्ट्रोलॉजर बताएंगे डराएंगे कि बुध नीच का है, आपके राशि में गोचर कर रहा है, आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, बुध आपको राजयोग के समान परिणाम देगा इस समय, क्योंकि बुध जिस राशि में नीच के गोचर कर रहे हैं उस राशि के स्वामी वहीं पे साथ में बैठे हुए हैं। मैं फिर से बता दूं कि यदि बृहस्पति भी, जैसे अगर यही बुध का गोचर 22 अप्रैल के बाद होता, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति का भी गोचर होने वाला है, मीन से निकल के मेष में जाएंगे, लेकिन अभी चूंकि मीन में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं जो कि स्वयं वहां के स्वामी है, तो ऐसे में बुध की निचता आपको असर नहीं करेगी। और ये बात आपको ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर आप देख लेना नहीं बताएंगे, आपको नीच नीच बोल के डराने वाले, तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना। इस अवधि काल में इस राशि के लोगों का धर्म अध्यात्म के प्रति भी झुकाव होने वाला है और आपके स्वभाव में सौम्यता होगी, वाणी में मधुरता होगी। इस गोचर काल में लोग बाग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपके वाणी से प्रभावित हो सकते हैं, समाज में आपके मान सम्मान में तो वृद्धि हो गई, कार्य क्षेत्र में भी आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस राशि के जो लोग नौकरी पेशा हैं या व्यापारी हैं उनको भी शानदार मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। व्यापार में तो कोई नया अनुबंध, कोई नया करार भी हो सकता है, यानी एग्रीमेंट हो सकता है। व्यापार को, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आप सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों को भी जितना मर्जी समस्या है, आपको प्रगति उन्नति तरक्की मिलने से कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। हालांकि धन संचित करने में थोड़ा सा आपको अधिक ध्यान देना होगा। हाँ, कार्य क्षेत्र में तो आप किसी चीज का लीड भी कर सकते हैं, लीडर बन सकते हैं, नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता में इस समय आपके अंदर विकास होने वाला है। आपके अंदर प्रबंधन कला, कौशल कला में भी बहुत जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है, जिसके फल स्वरूप आपके कार्य क्षेत्र में अगर आप किसी चीज का प्रबंधन करते हैं, टीम लीडर की भूमिका निभाते हैं, तो उस प्रोजेक्ट को आप बहुत जबरदस्त पूरा कर पाएंगे। खास करके इस राशि के जो लोग सरकारी क्षेत्र में हैं या बैंकिंग सेक्टर में हैं या न्यायिक प्रणाली में है अर्थात की जुडिशरी सेक्टर में या फिर अकाउंट्स के सेक्टर में है, जैसे कि सीए हो गया, तो इन सब लोगों को बहुत जबरदस्त लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सातवें भाव पे बुद्ध की स्वग्रही दृष्टि दाम्पत्य जीवन के लिए भी फर्स्ट क्लास जबरदस्त जिंदाबाद रहने वाला है, कोई समस्या नहीं देगी क्योंकि बृहस्पति की भी शुभ दृष्टि जा रही है। तो मीन राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर ठीक ठाक रहेगा। दर्शकों एक बात याद रहे, जिन लोगों के लिए बुध अशुभ प्रभाव दे रहे हैं उनको सबसे पहले तो बुध के बीज मंत्र का जाप करना है। अक्सर मैंने बताया ओम ब्राम ब्रेम ब्रोम शाह बुद्धाय नमः, ये बुध का बीज मंत्र है। इस मंत्र का 108 बार जाप किया करें। बुधवार के दिन गणपति जी को दुर्वा का भोग लगाएं। बुधवार के दिन गौ माता को हरे चारा या पालक खिला सकते हैं। बुधवार के दिन किसी कन्या को या सुहागिन महिलाओं को सुहाग का सामान अर्पित करें या कन्याओं को कोई हरा वस्त्र धारण करवा सकते हैं। बुधवार के दिन आप चाहें तो साबुत मूंग के दाल का दान भी कर सकते हैं या साबुत मूंग के दाल का हलवा का भोग भगवान श्री गणेश को लगा सकते हैं। इन सब छोटे छोटे उपाय से बुध के अशुभ प्रभावों से बच सकते हैं।
कैसा लगा आपको यह कार्यक्रम? अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अपना सुझाव अवश्य दें। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।